choke you down just like a pill. Hello guys and welcome back to Comic Book Universe. सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉर ऑफ रैम्स के पिछले मेन इश्यू में आपने देखा कि विजडम हासिल करने के लिए थोर वर्ल्ड ट्री के पास जाता है और डेडल से कहकर उसको पेड़ पे लटकाने के लिए कहता है। जहां लटका थोर मेलगिथ को हराने के लिए एक आंसर खोज रहा है, वहीं जेन फोस्टर जो कि पहले एक थोर थी उसे वार थोर का टूटा हुआ हैमर एसगार्ड पे पड़ा मिलता है और वह उसे उठा लेती है। वर्ल्ड ट्री पे लटका थोर कह रहा है, नहीं चाहे तो मेरी दोनों आंखें ले लो लेकिन मुझे ऐसा करने में मजबूर मत करो, मेरे हाथ से म्योंदर का आखिरी टुकड़ा मत छीनो, यही चीज मुझे थोर बनाती है। डैम इट, ले लो अगर इससे वॉर खत्म होती है तो। अब जैसे थोर की जलती हुई आंख के सामने उसके हैमर का आखिरी टुकड़ा पिघल रहा है तब सूरज के अंदर एक तूफान आ रहा है और यह तूफान थोर को एक कॉमेट की तरह मिडगार्ड की तरफ भेज देता है। थोर के इस सेक्रीफाइस ने उसे मेलगिथ को हराने का रास्ता बता दिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो थोर अब जानता है कि वॉर ऑफ रैम्स को कैसे जीता जाए। आज से कई करोड़ साल बाद ऑल फादर थोर की ग्रैंड डॉटर्स थोर की स्टोरीज पढ़ रही हैं और उसकी वर्ल्ड ट्री की स्टोरी के बारे में पढ़ रही हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ऑल फादर थोर की एक आंख इसी वजह से गई थी। अब एक ग्रैंड डॉटर अपनी सिस्टर से पूछती है तो उसके बाद क्या हुआ। सिस्टर कहती है, रुको ये नहीं हो सकता, इसमें लिखा हुआ है कि थोर के दोस्त फ्यूचर में बहुत आगे गए थे एसगार्ड पे एक पुराने दोस्त से मिलने। तब वहाँ रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम आते हैं। बेन ग्रिम कहता है, यंग लेडीज हम यहाँ से नहीं हैं, क्या तुम हमें उस आदमी की तरफ पॉइंट कर सकती हो। तब ऑल फादर थोर वहाँ आता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं करोड़ों सालों से इस दिन का वेट कर रहा था और ऑल फादर थोर रेडी है, इस वॉर के लिए रेडी है। प्रेजेंट में एसगार्ड, थोर कह रहा है मिडगार्ड पे वॉर अब भी चल रही है लेकिन अगर मैं अकेला मेलगिथ से लड़ने नहीं गया तो मेरे पेरेंट्स मारे जाएंगे, ये एक ना जीता जा सकने वाला चैलेंज लग रहा है। हालांकि वर्ल्ड ट्री ने मुझे इसका आंसर दे दिया है, अगर एक थोर इसे ख़त्म कर सकता है तब हमें और थोर चाहिए होंगे। ऑल फादर थोर कहता है, मेरी डाडी की कसम ये चीज़ पहले भी हो चुकी है गॉड बच्चर के साथ और तुम काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हो, ठीक मेरी तरह। तब यंग थोर वहाँ आता है और कहता है, क्या तुम लोग यहाँ बकवास करने आए हो या एक असली लड़ाई लड़ने आए हो, मैं इतनी दूर उबासियाँ लेने नहीं आया। ऑल फादर थोर कहता है, ओह अच्छा है तुम इस दिद्दी वाले थोर को भी अपने साथ ले आए, अनवर्दी थोर को, तुम इसकी जगह थ्रो को भी तो लेकर आ सकते थे। यंग थोर कहता है, कम से कम मेरे सारे बॉडी पार्ट्स मेरे पास हैं। थोर कहता है, इस तिगड़म में पावर है और हमें इस लड़ाई में तीनों की जरूरत है, फिर चाहे उनके पास एक हैमर हो या ना हो। तब वहाँ जेन फोस्टर आती है और कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। तब हम देखते हैं कि जेन फोस्टर के हाथ में वार थोर का हैमर है। जेन फोस्टर पूछती है, क्या तुम अपनी टीम में मुझको भी मिला सकते हो। थोर पूछता है, लेकिन तुमने ये कैसे उठाया। जेन फोस्टर कहती है, ये वार थोर का टूटा हुआ हैमर है, एक डेड यूनिवर्स की खोई हुई चीज़, मुझे इसे उठाते हुए काफ़ी दर्द हुआ था और मैं फील कर रही हूँ कि ये वापस टूटने की कोशिश कर रहा है, हमें जल्दी चलना चाहिए थोर। थोर कहता है, वो तो हम जाएंगे ही एक तूफान के पूरे गुस्से के साथ। और फिर रैम्स में उस तूफान की आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि पहले कभी नहीं सुनाई दी। अल्फाइम के खेतों से लेकर ड्वार्व्स के माउंटेन तक, वर्ल्ड ट्री की जलती हुई जड़ों से लेकर हल्के जमे हुए ओशन तक, ये लाइटनिंग इस तरह से चमक रही थी जैसे कि स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हों और हैमर के गुस्से से बारिश हो रही हो और हर एक आँख डर और आश्चर्य से स्टॉर्म ऑफ थॉर्स के आने का वेट कर रही है। लेकिन सिर्फ थोर नहीं है जो इतने गुस्सा हैं। इधर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सारे हीरोज फ्रोजेंट से लड़ रहे होते हैं। फ्रैंकलिन कहता है, हमें यहाँ यंसी स्ट्रीट में मदद की जरूरत है। आयरन मैन कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम भी जायंट से लड़ रहे हैं। पनिशर कह रहा है, वॉर एक वॉर होती है, जायंट्स को मारने के लिए बहुत ज़्यादा गोलियाँ चाहिए होती है, चलते रहो और इनको ख़त्म करते रहो, तब तक मत रुकना जब तक कि हम अपने पूरे शहर को वापस नहीं ले लेते। एक फ्रोजेंट बिल्डिंग पर चढ़कर अपना गंदा सा भाषण देने लगता है और कहता है, ये शहर अब हमारा है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो हमें मार कर लेना होगा। तब कैप्टन मार्वल वहाँ आती है और उसकी गर्दन काट डालती है। कैप्टन मार्वल के पैरों के नीचे सिंडर लेटी होती है और उसके हाथ में एक जलती हुई तलवार होती है। कैप्टन अमेरिका लोफी से कहता है, रुक जाओ तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारे दोस्त हार चुके हैं। लोफी कहता है, मेरे कभी कोई दोस्त नहीं थे, मेरा मेलगिथ तो और उसके गधों से कोई लेना देना नहीं है, ये वॉर एक ही तरीके से ख़त्म होने वाली है, मिडगार्ड को आइस में जमा कर। कैप्टन अमेरिका कहता है, नो
ये तो कास्केट ऑफ एंशियंट विंटर्स है, लोफी कहता है। हाँ, लोकी ने एक चीज़ जो अच्छी की कि उसने इस कास्केट को एसगार्ड से चुरा लिया। कैप्टन अमेरिका कहता है, अगर तुमने उसे खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। लोफी कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे खोलूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम सबको ज़रूर मारूंगा, खुद अपने हाथों से। तब लोफी अपने मुँह से हवा फूकने लगता है जिससे इंसान बर्फ में जमने लगते हैं। लेकिन मिडगार्ड पे सिर्फ इंसान नहीं है, कुछ गॉड्स आसानी से नहीं जमते। इधर स्टोनहेंज पे मेलिकिथ कह रहा है, सुन रहे हो, वो आ रहा है अपने खुद के विनाश की तरफ। लेडी फ्रेया कहती है, तुम्हारी वॉर खत्म हो चुकी है मेलिकिथ, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। मेलिकिथ कहता है, वॉर ऑफ रैम्स काफी खूबसूरत चीज रही है, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल, मेरा स्वर्तल फियाम के सिंहासन पे कब्जा करना और अपने खुद की मोम को उसी के कुत्तों को खिला देना। अब तुम्हारी आंखों के सामने थोर को मारकर मैं अपने जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज करूंगा। मेरे बच्चों रेडी हो जाओ, आखिरी शिकार अभी शुरू होने वाला है। लेडी फ्रेया ओडिन से पूछती है, आखिर इस टाइम गॉड्स किसके सामने प्रे करें? ओडिन कहता है, अगर तुम्हें प्रे करनी है तो थोर के सामने प्रे करो, लेकिन किसी ने मुझे बताया है कि इस तूफान में उसे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तभी थोर वहाँ आ जाते हैं। थोर कहता है, मेलिकिथ मैं अपने पेरेंट्स के लिए आया हूँ और तुम्हारे सिर के लिए भी। मेलिकिथ कहता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक थोर के अलावा कोई भी इस स्पेल को पार नहीं कर सकता। ऑलफादर थोर कहता है, हम सब थोर हैं, कुछ तो हम में से भी ज्यादा थोर हैं। स्वर्तल फियाम के डार्क एल्व्स हमारे गुस्से के सामने नहीं टिक पाएंगे। मेलिकिथ कहता है, मैं सिर्फ डार्क एल्व्स के साथ यहाँ नहीं आया हूँ, मैंने सिम्बायोट को अपने मैजिक से चेंज कर दिया है। तुम इसे सिम्बायोस वॉर्ड बुलाओ, वैनम ब्लेड बुलाओ, ये जो भी तुम्हारा मन करे बुलाओ, बस मुझे थोर्स का हत्यारा बुलाओ। इनके पेरेंट्स को मार दो, लेकिन इन थोर्स को मैं मारूंगा। अब जेन फोस्टर पेरेंट्स की तरफ भागती है। ऑलफादर थोर स्पेडरेल से लड़ने लगता है, प्रेजेंट थोर मेलिकिथ से लड़ने लगता है और यंग थोर हेलहाउंड से। इधर न्यूयॉर्क में डेयरडेविल अपनी पूरी ताकत से हेमडाल की तलवार को लोफी की तरफ फेंकता है, जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर टकराती है और फिर लोफी के पेट में चली जाती है। लोफी कहता है, तो क्या तुम इससे मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे? तुम्हारी तलवार तो मेरा स्नैक बन गई, अब मैं मेन कोर्स में पूरे मिडगार्ड को खाने वाला हूँ। स्क्रोब्रेड कह रहा है, हमें एक बार ढूंढ कर दारू पीनी चाहिए, क्योंकि मैं नशे के बिना नहीं मरना चाहता। इवोरी कहता है, स्क्रोब्रेड क्या तुमने वो चीज़ सुनी? स्क्रोब्रेड कहता है, मुझे भी वो थंडर सुनाई दे रहा है। लोफी अपने मुँह से बर्फ उगल रहा है। इवोरी कहता है, नहीं कोई और चीज़ है, वो तूफान स्पेस से आया था या शायद सूरज के अंदर से एक्सप्लोड हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था जब ये हुआ था, कोई इसके बारे में नहीं बता सकता। उस टाइम सूरज इस तूफान की आँख बन गया था, एक अजीब सा तूफान जिसमें ऐसी हवाएं चल रही थी जो एक पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, सब कुछ खत्म कर सकती थी या फिर इस वर्ल्ड को बचा सकती थी। यंग थोर ऑलफादर थोर से कहता है, तुम इतने स्लो कैसे हो सकते हो? ऑलफादर थोर कहता है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? अपने काम पे ध्यान दो, अगर तुम मर गए तो हम सब मर जाएंगे। इधर जेन फोस्टर अपने हैमर से लेडी फ्रेया को छुड़ा लेती है। लेडी फ्रेया कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? ओडिन कहता है, अगर तुम इस टाइम मर गई तो मेरे पास तुम्हें फिर से जिंदा करने के लिए मैजिक नहीं बचा है। जेन फोस्टर कहती है, वल्क्रीज मर चुकी है, अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो हम हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। वहीं थोर मेलिकिथ से कह रहा है, ये वॉर, ये डेथ, ये सब तुम्हारे कष्ट को मिटाने के लिए, मैं तुम्हारा कष्ट अभी ख़त्म करता हूँ, तुम्हें जल्दी से मार देता हूँ। मेलिकिथ कहता है, ओ तुम्हारी इस बात ने मुझे अभी कुछ याद दिला दिया। अब मेलिकिथ थोर का हैमर छीनकर थोर को नीचे फेंक देता है और कहता है, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से तुम्हारा हाथ काटा था? अब देखते हैं तुम्हारा खुद का हैमर तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। मेलिकिथ उस हैमर को चेंज करने लगता है और कहता है, चलो चलते हैं, ब्लैक हैमर के लिए तैयार हो जाओ, अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी जेन फोस्टर वार थोर के हैमर को उसके बीच में ला खड़ा करती है और कहती है, हम थोर्स को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मेलिकिथ कहता है, ओ तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ और तुम्हारा ये गंदा सा हैमर मुश्किल से ही अपने आप को रोके रखे हुए है, मैं इस पे एक बार और वार करूँगा और ये टूट जाएगा। तभी थोर गुस्से में आकर ब्लैक हैमर पे एक पंच मारता है। मेलिकिथ कहता है, क्या तुमने अपने हैमर पे पंच मार दिया? कंग्रेचुलेशंस थोर, मैं देख रहा हूँ कि तुम पागल हो चुके हो। थोर कहता है, अगर पागलपन तुम्हें रोक सकता है तो यही सही, तब थोर के पागलपन के लिए तैयार हो जाओ। यंग थोर पूछता है, हो क्या रहा है? थोर उस हैमर को पंच क्यों कर रहा है? और क्या मैं अकेला हूँ जिसे एक स्पेस स्टॉर्म सुनाई दे रहा है जो कि सूरज को खा रहा है? ऑलफादर थोर कहता है, हाँ छोड़ दो थोर, ये पागलपन नहीं है, ये विजडम ऑफ द फायर है,
इसलिए तुमने अपनी आँख गवाई थी। सब कुछ छोड़ दो, बस अपने हाथों में ठंडर को रहने दो। मलगित कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लाइटनिंग से हरा सकते हो? हजार थोर की लाइटनिंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं सब रैम्स का सबसे महान जादूगर हूँ। मैं तुम्हारे ही अमर से तुम्हें जान से मार दूंगा और मदर स्टॉर्म को वील्ड कर लूंगा। लेडी फ्लाई चिल्लाती है, नहीं, मलगित उसे मारने वाला है। जेन फोस्टर कहती है, उसे सुनाई दे रहा है, उसे सुनना ही होगा, बस उसे इसे वील्ड करना है। ओडिन कहता है, हाँ थोर, वो करो जो हाल फादर भी नहीं कर पाया। इधर न्यूयॉर्क शहर में लेडी सिर्फ कह रही है, डेयरडेविल ने हाइमडाल की तलवार फेंक दी, इस इंसान ने हमारी सबकी लगा दी। कैप्टन मई का पूछता है, तब डेयरडेविल हंस क्यों रहा है? डेयरडेविल कहता है, स्टॉर्म को वील्ड करो, स्टॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स को वील्ड करो। इधर थोर कह रहा है, स्टॉर्म को वील्ड करूं? जब से वर्ल्ड्री एक्सप्लोड हुआ है तब से मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ही मलगित उस ब्लैक हैमर से थोर पर अटैक करने की कोशिश करता है, थोर अपने हाथों से उसे रोक लेता है और तभी उसके हाथों में बिजली कड़कने लगती है और थोर कहता है, मुझे तुम्हें मारने के लिए अपने हाथों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस बरसात की ज़रूरत है। तब सूरज से निकला हुआ तूफान अर्थ पे पहुंच जाता है और पूरी धरती पे आग बरसने लगती है। मलगित कहता है, बस तुम्हारे पास इतनी सी ताकत है? स्वर्तल फियाई में तो हर टाइम आग बरसती रहती है। थोर कहता है, मैं जानता हूँ कि आग सिम्बायोट की कमजोरी है, लेकिन अब तक मैं स्टॉर्म को वील्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसे बरसने दे सकूं। तब वहाँ पे एक जोर की लाइट चमकती है और हमें दिखाई देता है थोर का म्योनिर, जिसपे वर्ल्ड्री का हैंडल लगा हुआ है। थोर कहता है, मैंने इस फायर स्टॉर्म का यूज़ अपने हैमर की फोर्जिंग करने के लिए किया। हेलो पुराने दोस्त। अब सब लोग उस हैमर को देखते हैं। यंग थोर आल फादर थोर से पूछता है, अगर म्योनिर ही मलगित को हरा सकता है तो तुमने उसे अपना हैमर क्यों नहीं दिया? आल फादर थोर कहता है, क्योंकि ये वो हैमर नहीं है जो मिसिंग है। मलगित कह रहा है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसे नहीं उठा सकते। थोर पूछता है, क्यों? मैं वर्दी नहीं हूँ। तब तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी वर्दी नहीं हो पाऊँगा, ये बस स्ट्रगल है जो मैटर करता है। गौर सही था, लेकिन ये बात जानना मैटर करता है। ना हैमर मैटर करता है, ना थंडर मैटर करता है, जो मैटर करता है वो ये है कि मैं कौन हूँ। अब और हमेशा के लिए मैं गॉड ऑफ अनवर्दी हूँ। अब थोर उस हैमर को उठा लेता है और मलगित पे अटैक करते हुए कहता है, मैं इस वॉर का अंत हूँ। जेन फोस्टर कहती है, तो हैमर थोर को नहीं बनाता, थोर हैमर को बनाता है। मुझे पता था तुम्हें ये बात याद आ जाएगी। थोर कहता है, सिखाया भी तो तुमने था। और जहाँ तक हैमर्स की बात है, लग नहीं रहा कि तुम्हारा हैमर ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। जेन फोस्टर कहती है, जैसा कि मलगित ने कहा था, यह बस एक वार के लिए बचा हुआ है और मुझे पता है इसे किस साइड फेंकना है। इधर लोफी कह रहा है, तो वॉर ऑफ रैम्स ख़त्म होती है और जैंट्स की नई एज शुरू होती है। तभी वार थोर का हैमर लोफी की आँख फाड़ता हुआ निकल जाता है। लोफी कहता है, किसकी हिम्मत हुई, मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा और तुम्हें डाइजेस्ट कर जाऊंगा। तभी लोफी हैमडाल की तलवार से लोफी का पेट फाड़कर बाहर आ जाता है और कहता है, क्या दिक्कत है फादर, आपने कुछ खाया था? इधर यंग थोर मलगित का हाथ काट देता है जिसमें वो हैमर पकड़े हुए था। मलगित कहता है, मुझे यह ख़त्म करने के लिए एक ब्लेड की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम सबको मार दूंगा अपने इकलौते हाथ से। थोर कहता है, तुम हार चुके हो, वॉर ख़त्म हो चुकी है। मलगित कहता है, नहीं नहीं, वॉर कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने भाई, अंकल और फादर खोए, वॉर की वजह से मेरी खुद की मौम ने मुझे बेच दिया था, तब मैंने 10 रैम्स को बर्बाद कर दिया, हमेशा एक वॉर होगी। नहीं, मेरी आर्मी जा चुकी है। डॉग्स, अपने मालिक का हुक्म मानो और इन सब के चीतरे फाड़ दो। थोर कहता है, नहीं मलगित, रुक जाओ, वो तुम्हारा डर महसूस कर सकते हैं। मलगित कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मलगित हूँ, द किंग ऑफ डॉगल्स। डरने की बजाय मैं हंसता हूँ। तब मलगित हंसने लगता है, लेकिन उसी का टाइगर और वार हाउंड्स आकर उसके चीतरे फाड़ डालते हैं और इस तरह से वॉर ऑफ रैम्स ख़त्म हो जाती है। वुल्वरीन पनिशर से कहता है, बस 5 मिनट तो रुको, वॉर ख़त्म हो चुकी है। पनिशर कहता है, तुम्हारी वॉर ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन मेरी कभी नहीं होती। डॉक्टर सेंस डेडल से कहता है, डेडल क्या तुम ठीक हो? डेडल कहता है, मेरे पास एक गोड का दिमाग था और अब वो जा चुका है, लग रहा है कि मैं फिर से अंधा हो चुका हूँ, अब मुझे प्रे करने जाना है। वैनम भी मलगित के जादू से छूट जाता है और आने वाले कार्नेज की तरफ चल पड़ते हैं। वार थोर का हैमर जेन फोस्टर के पास वापस आने लगता है, लेकिन आते आते वो टूटने लगता है और जेन फोस्टर से टकरा जाता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और जेन फोस्टर के हाथ पे एक ब्रेसलेट बन जाता है। यंग थोर आल फादर थोर से पूछता है, क्या यहाँ पे अभी शहद की शराब मिलती है? आल फादर थोर कहता है, यहाँ पे बियर मिलती है।
वहीं लोगों के हेमडाल की तलवार को छोड़कर चला जाता है और इस तरह से सब रैम्स फिर से हीरो होने लगते हैं। एक फादर अकेला अपने बेटे के सामने खड़ा है और वो वर्ड्स बोलता है जो उसने पहले कभी नहीं कहे, थोर वेल डन। थोर कहता है फादर। ओडिन कहता है नहीं नहीं, मैं ये टाइटल डिजर्व नहीं करता, शायद कभी नहीं करता था, अब तुम मुझे अपना सब्जेक्ट बुला सकते हो। अब ओडिन थोर के सामने झुकने लगता है और थोर से कहता है और मैं तुम्हें वो बुला सकता हूँ जो तुम डिजर्व करते हो, लॉर्ड ऑफ एसगार्ड, सेवियर ऑफ 10 रैम्स, ऑल हेल ऑल फादर थोर। ही गाइस, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पे डोनेट कर सकते हैं।